करीना अब 40 साल के हैं और अमूमन इस उम्र में कम ही महिलाएं मां बनने की सोचती हैं। यहां तक कि 35 की उम्र के बाद तो एक्सपर्ट तक प्रेगनेंसी को सही नहीं मानते हैं। ऐसे में करीना 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रही है। करीना कपूर खान की ही तरह न जाने कितनी ही महिलाएं 35 की उम्र के बाद पहला या दूसरा बच्चा प्लान करती हैं, लेकिन ये फैसला लेने से पहले क्या वो ये जानती हैं कि इस उम्र में प्रेग्नेंट होने के कितने चांसेस और कितने जोखिम होते हैं। यहाँ हम आपको यही बता रहे हैं कि 40 साल की उम्र में सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होना कितना सही है। सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए चेक करें फर्टिलिटी। जी हाँ, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ फर्टिलिटी पावर कम होती जाती है, इसलिए 40 की उम्र में आपकी फर्टिलिटी पावर पहले से तो कम ही होगी। इस समय हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपने मासिक धर्म, ब्लडिंग, जीवन शैली और अन्य स्वास्थ्य व समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें। गायनेकोलॉजिस्ट आपको इन बातों के आधार पर बता पाएंगी कि आपके प्रेग्नेंट होने के कितने चांसेस हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी के जोखिम कारक। 35 साल की उम्र के बाद माँ बनने पर कुछ जोखिम कारक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एज के बाद आप माँ नहीं बन सकते या आपको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आप सही देखभाल और सावधानी के साथ खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि 35 की उम्र के बाद कंसीव करने पर मिसकैरेज का खतरा अधिक रहता है। 35 के बाद प्रेग्नेंट होने पर जेस्टेशनल डायबिटीज का भी जोखिम रहता है। इसमें प्रेग्नेंट महिला को डायबिटीज हो जाती है। अगर आप इस उम्र में मां बनने की सोचती हैं, तो जान लें कि इस समय एंड्रोमेट्रियोसिस और रसौली का भी खतरा रहता है। एंड्रोमेट्रियोसिस में गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग का उत्तय गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगता है। गर्भाशय के अंदर गैर कैंसरकारी गांठ को रसौली कहते हैं। अध्ययनों की माने तो 40 के बाद कंसीव करने पर शिशु में क्रोमोसोमल विकार की संभावना 9 गुना ज्यादा होती है। अगर आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर भी पड़ सकता है। डिलीवरी के दौरान शिशु को कोई खतरा हो सकता है। इस उम्र में मां बनने पर जैसे जैसे गर्भ में शिशु बढ़ता है, वैसे वैसे मां में ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब जानिए ये कि सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए कैसे रहें तैयार। इस उम्र में दूसरी बार मां बनने का फैसला लेने के बाद सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। अगर वो प्रेगनेंसी के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट बताते हैं तो आप आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें और अपने खाने में जंक फूड को कम कर दें। बेहतर होगा कि आप कंसीव करने से पहले ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, इससे कंसीव करने में भी मदद मिलती है। डॉक्टर से पूछें कि गर्भावस्था में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।